हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 वर्कशीट की मदद से, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या धातु एवं अधातु। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड या धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया और रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, यानी धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की कैसे अभिक्रिया होती है, ये हम देखने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड यानी धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो धातु जो होता है जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करता है बच्चों, और क्या करता है, लवण या साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। यानी मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव ए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बच्चों। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, सोडियम का HCl के साथ रिएक्शन हुआ और NaCl बना आपका और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी तरीके से बच्चों आपका उदाहरण दिया हुआ है, जिंक के साथ क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हुआ, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस अलग हुई। अब कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, यानी कॉपर क्या होता है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो और जो हाइड्रोजन गैस जो इन्वॉल्व होती है मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं, वो क्या होती है, जब इस तरह की रिएक्शन होती है डाइल्यूट वाली, तब ही वो निकलती है, वरना नहीं निकलती। अब अगर बात करें बच्चों HNO3 की, तो HNO3 जो है क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, प्रबल एक ऑक्सीकारक है। तो ये क्या करता है, ये जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस को इन्वॉल्व या इवॉल्व नहीं होने देता, इसकी जगह क्या करता है, ये खुद एक तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके N2O हो गया या NO हो गया या NO2, इस तरह के प्रोडक्ट को बना देता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे मैग्नीशियम का हो गया आपका, और आपका MN वाला जो हो गया, मैग्नीशियम वाला हो गया, इस वाले केस में क्या होता है कि HNO3 की जब डाइल्यूट की, नॉर्मल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डाइल्यूट वाले की बात कर रहा हूँ, डाइल्यूट वाला जब रिएक्ट करेगा तो ये आपका हाइड्रोजन गैस को निकालेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है बच्चों, दूसरा पार्ट है इसका आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, यानी अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस रिएक्शन पे ध्यान दीजिए बच्चों, जब आप इस रिएक्शन पे ध्यान देंगे तो ये क्या दिखाती है बच्चों, धातु ए प्लस बी का लवण विलयन, ए का लवण विलयन प्लस धातु बी, यानी मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। तो ये आपको याद दिलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया की बच्चों, क्योंकि ये अभिक्रिया सीधी सीधी इसी तरह की है जैसे कि हमने कहाँ पढ़ी थी, आपके चैप्टर 1 में बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में, यानी केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस इक्वेशन वाले में। तो उसी तरह की रिएक्शन यहाँ पे भी देखने को मिलती है, जैसे कि आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन पे आयरन सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह की रिएक्शन क्या होती है, जब जो रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को या डिस्प्लेस कर देता है, तो इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ कैसे काम कर रही है। रिएक्टिविटी सीरीज़ का अगर आपको याद हो, आपको याद करने के लिए एक चीज़ बताई गई थी कि काशीनाथ का माली आलू जीरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया है एजिड, तो इस तरह से आप उसे याद कर सकते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जो मैग्नीशियम से शुरू होने वाली या पोटेशियम से शुरू होने वाली जो एक बेसिक रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें होता क्या है कि आपका जो मैग्नीशियम से नीचे के मेटल है, यानी लेड तक के जो मटेरियल है, मेटल है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उससे ऊपर वाले तो एयर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि आपका पोटेशियम सोडियम और वाला वो पार्ट हो गया। और इससे जो नीचे है यानी कॉपर से आपके गोल्ड तक के जो मेटल हैं, वो ईजिली रिएक्ट नहीं करते या कोरोड नहीं करते, या किसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि जनरली रिएक्शन नहीं दिखाते, और इस वजह से क्या होता है वो हम नोबल मेटल में काउंट कर लेते हैं, यानी प्रीशियस जो मेटल होते हैं हमारे, जैसे गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बनते हैं, सिल्वर के भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि वो काफ़ी समय तक किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते, और उनके रिएक्शन ना करने की वजह से उन्हें यूज़ किया जा सकता है डेली
यूज में बच्चों, इसी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, इसी से बच्चों आपका एक क्वेश्चन छोटा सा अराइज होता है, क्या कि हाइड्रोजन एक अधातु या नॉन मेटल होने के बावजूद इंक्लूड किया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन एक अधातु है, लेकिन फिर भी इसे सक्रियता श्रेणी में शामिल करने का कारण यह है कि ये धातुओं की सक्रियता में तुलना करने में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, इसी वजह से इसको क्या करते हैं, इन्वॉल्व किया जाता है ताकि हम इजीली रिएक्टिविटी सीरीज को समझ सकें बच्चों। तो इसलिए इसको इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाला टॉपिक हो गया आज का आपका कवर सारा का सारा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।